नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में जॉब पाने के लिए उत्तराखंड के निवासियों व अन्य राज्यों के कैंडिडेट्स जो उत्तराखंड में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी कि UKPSC के द्वारा समीक्षा अधिकारी लेखा और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए रिक्रूटमेंट यानी कि RO AR 2021 के लिए रिक्रूटमेंट जो है ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो में एक संपूर्ण जानकारी, कैसे आवेदन करना है, परीक्षा का पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या होगा, आवेदन जो है आपको कैसे करना है, परीक्षा शुल्क कितना होगा यानी कि आवेदन शुल्क, एंड साथ ही साथ सभी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आप हमारा फेसबुक पेज शिक्षा करियर जॉब्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सो अभी हम उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। रिसेंट अपडेट में 4 मार्च 2021 ये नोटिफिकेशन है, एंड यहाँ पे जो है जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे जो है विज्ञप्ति यानी कि एडवर्टीजमेंट जो है आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड हम जो है यहाँ पर मुख्य बात इस एडवर्टीजमेंट में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, पब्लिकेशन जो विज्ञापन की जो तिथि है वो 5 मार्च है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 है, ठीक है, एंड परीक्षा शुल्क जमा करने की भी जो तारीख है वो 25 मार्च 2021 है। नाउ हम यहाँ पर वैकेंसी देख लेते हैं किस किस पद के लिए जो है यहाँ पर, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो 23 मई 2021 रविवार संडे को जो है कराना प्रस्तावित है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है रिक्तियों की संख्या देख लेते हैं। टोटल 19 पदों के लिए जो है यानी कि वैकेंसी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 19 पद है, तो यहाँ पे जो घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यहाँ पर जो पद है, पहला समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड सचिवालय में, सहायक समीक्षा अधिकारी ARO लेखा उत्तराखंड सचिवालय, समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग एंड सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आप जो है कैटेगरीज देख सकते हैं, ठीक है, इस कैटेगरीज के लिए कितनी वैकेंसी है, ठीक है। तो वैकेंसी हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पद का स्वरूप अगर बात करें तो नॉन गैजेटेड है, ठीक है। यहाँ पे जो है समीक्षा अधिकारी के लिए अगर हम बात करें लेखा उत्तराखंड सचिवालय में, तो ये जो है पे आपका ग्रेड पे 4800 पे, यहाँ पे 9300 से लेके 34800 और ग्रेड पे 4800, ठीक है। लेवल 8 आपको यहाँ पर दिया जाएगा यानी कि 47600 आपकी स्टार्टिंग बेसिक होगी, प्लस जितने भी भत्ते दे हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। शैक्षिक यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी BCOM यानी कि BCOM डिग्री आपकी होनी चाहिए, अकाउंटेंसी के साथ स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, एंड कंप्यूटर संचालन हिंदी टाइपिंग में 4000 जो की है डिप्रेशन प्रति घंटे की आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो ये तो है मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। अधिमानीय प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस जो है यहाँ पर जो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडिट कोर यानी कि NCC का BSc प्रमाण पत्र जिनके पास होगा। सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा की अगर हम बात करें 4600 ग्रेड पे यानी कि लेवल 7 रहेगा, एंड यहाँ पर 44900 बेसिक स्टार्टिंग सैलरी से लेकर 142400 प्लस जितने भी भत्ते होते हैं यानी कि DA TA HRA वो सब आपको यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर भी BCOM मांगा गया है अकाउंटेंसी के साथ, एंड यहाँ पर टंकन सेम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर मांगी गई है, ठीक है। अधिमानी यानी कि प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, 2 वर्ष की अवधि जो प्रादेशिक सेना में या राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का BC प्रमाण पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समीक्षा अधिकारी लेखा यहाँ पे भी जो है BCOM या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होना चाहिए, ठीक है, लेवल 8 दिया जाएगा, एंड कंप्यूटर के आधारभूत बेसिक जो है आपको ज्ञान होना चाहिए, विंडो इंटरनेट MS यानी कि बेसिक आपको पता होना चाहिए, एंड कंप्यूटर के आधारभूत देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, एंड प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वही 2 वर्ष और NCC सर्टिफिकेट वालों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ अब जो है हम यहाँ पर आयु की बात कर लेते हैं। आयु जो है 1 जुलाई 2021 को गणना की जाएगी, न्यूनतम 21 से 42 वर्ष अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए, एंड यहाँ पे अधिकतम आयु सीमा में छूट किसको दिया जाएगा, जो उत्तराखंड के जो है मूल निवासी होंगे, ठीक है, तो उनको यहाँ पे जो है रिजर्वेशन में कैटेगरीज में लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम उत्तराखंड राज्य के आदिवासी अगर नहीं हैं आप तो आरक्षण का लाभ आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अन्य राज्य के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको एज ए जनरल कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन करना होगा, ठीक है। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए, तिब्बती शरणार्थी तो ये दिया हुआ है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चरित्र जो है वो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए उपयुक्त होना चाहिए। वैवाहिक परिस्थिति यानी कि जिसकी 2 से अधिक पत्नी यहाँ पे जो है 1 से अधिक पत्नी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। शारीरिक स्वस्थता
ठीक है, यहाँ पे जो है नियुक्त नहीं किया जाए जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से अच्छा स्वस्थ जो है नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा स्वस्थ जो है आपका होना चाहिए, चाहे मेंटली या फिजिकली। आवेदन कैसे करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, कोई भी ऑफलाइन आवेदन यहाँ पर नहीं आप मान्य हैं। ठीक है, यहाँ पे फीस की अगर हम बात करें, कैटेगरीज वाइज यहाँ पर फीस दी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ पे 200 रुपये जो है, यहाँ पे इनके 226.55 जो है उनको टोटल फीस देनी होगी, और कैटेगरी वाइज जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनको यहाँ पर ये फीस देनी होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें दिव्यांगजनों के लिए, शारीरिक दिव्यांग के लिए कोई फीस नहीं है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृह में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, तो ये है। नव प्रारंभिक परीक्षा जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगी, जो कि MCQ यानी कि वस्तुनिष्ठ टाइप जो है, और जिसमें कि निगेटिव मार्किंग भी होगी। यहाँ पे अगर हम बात करें मुख्य परीक्षा, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के लिए भी आपको यहाँ पर शुल्क देय होगा 200 रुपये और 150 रुपये एंड 80 रुपये SC ST के लिए उत्तराखंड के जो है। ठीक है, तो जो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो आपकी परीक्षा का चरण होंगे, वो एक तो प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद आपका जो है मुख्य परीक्षा की जाएगी, एंड मुख्य परीक्षा के बाद जो है आपका यहाँ पर देख लेते हैं इंटरव्यू का भी प्रावधान है कि नहीं है। ठीक है, तो इंटरव्यू का प्रावधान अगर है तो हम इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे कितने अंकों का जो है इंटरव्यू यहाँ पे आपका होगा। यहाँ पे जो है आपके ये परीक्षा केंद्र जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आप दे सकते हैं। ठीक है, जो आपके नज़दीक होगा वो परीक्षा केंद्र यहाँ पर आप दे सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करते हैं, अधिकतम 150 अंक होंगे, समय 2 घंटे होगा, 150 प्रश्नों की संख्या होगी। ठीक है, सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं सामान्य हिंदी MCQ जो है सभी के सभी ये होंगे। प्रारंभिक परीक्षा हेतु सिलेबस जो है मैं जो है ड्रैग कर देता हूँ, ये मैं आप पोज यहाँ पर वीडियो को रोक रहा हूँ, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये आपका सामान्य अध्ययन का जो है 90 अंकों का ये पूछा जाएगा। सामान्य बुद्धि परीक्षण जो कि 30 अंकों का पूछा जाएगा, प्रश्नों की संख्या 30 होगी, तो ये सारा जो है आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, सामान्य बुद्धि परीक्षण एंड सामान्य जो हिंदी है वो 30 अंकों का पूछा जाएगा, 30 प्रश्न होंगे यहाँ पे, ये आपका सिलेबस जो है आपका होगा। ठीक है, तो ये तो प्रारंभिक परीक्षा। नाउ मुख्य परीक्षा की बात करें, लिखित परीक्षा विषय परक होगी, यहाँ पे जो है 4 पेपर जो है यहाँ पर है। ठीक है, प्रत्येक जो अधिकतम अंक है 100-100 अंकों के होंगे, समय सभी के लिए जो है चतुर्थ प्रश्न पत्र को छोड़कर 3-3 घंटे का होगा, एंड चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी कि चौथा प्रश्न पत्र 1 घंटे का होगा। प्रश्नों की संख्या पहले में 10 एंड दूसरे में 7 एंड तृतीय वाणिज्य परंपरागत प्रकार का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वेंशनल टाइप का होगा। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा हेतु सिलेबस जो है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 10 प्रश्न होंगे जो कि किस में से होंगे। ठीक है, सभी के सभी अनिवार्य होंगे, कम से कम 3 प्रश्नों की प्रकृति विस्तृत प्रकार की होगी। ठीक है, जिनकी शब्द सीमा यानी कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, आपको यहाँ पर लिखना होगा 250 शब्दों में। 5 प्रश्न लघु यानी कि जो है शॉर्ट आंसर टाइप होंगे यहाँ पे, जिनकी शब्द सीमा 50 है, और 2 प्रश्न व्याख्यात्मक टिप्पणी से संबंधित होंगे। ठीक है, जिनकी शब्द सीमा 125 है। तो ये जो है आपका मुख्य परीक्षा का जो है फर्स्ट पेपर का जो है यहाँ पर जो है सिलेबस होगा। ठीक है, नाउ आप जो है द्वितीय प्रश्न पत्र की अगर बात करें, जो कि सामान्य हिंदी या निबंध का होगा, तो यहाँ पे 50 अंक दिए जाएंगे, पूर्णांक 100, 3 घंटे का समय। ठीक है, सामान्य हिंदी के लिए 50 अंक, मैं यहाँ पे जो है आपके सामने ये सिलेबस है। नाउ निबंध के लिए ये आपका रहेगा साहित्य, ये सारी मैं ब्रैक कर रहा हूँ। तृतीय प्रश्न पत्र वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का होगा, ये सिलेबस जो है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या क्या आपसे पार्ट 2 क्या रहेगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी जो है ये देख सकते हैं। ठीक है, चतुर्थ प्रश्न पत्र जो है आपका होगा वो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित, कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग नेचर होगी। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग 100 अंकों में से आपको 40 अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे जो है आपकी ये आपका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर ये आपका लेखा हिंदू जो ये आप हिंदी अंग्रेजी टंकण परीक्षा, इसके लिए सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, उनके लिए यहाँ पे जो है प्रति घंटे की गति परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये है आपका, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग UKPSC RO एंड AR RO। अब ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे, एनालिसिस हमारा अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारे जो है इंक्रेज करता है आपकी तो आपको एक सर्विस अच्छी प्रोवाइड करने में। एंड चलिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।